40, 5 दिशा बदल, 5 बंद, 10 चल। राष्ट्रध्वज के गान पर हम सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे। ध्वज सेवा शौर्य कर्तव्य निष्ठा पराक्रम एवं शहादत का गौरव अपने में समेटे हुए हैं। इस वर्ष राज्य पुलिस बल के प्रतिनिधि परेड में शामिल नहीं है, किंतु सरदार पटेल के मंत्र को आत्मसात करते हुए राज्य पुलिस बलों की पूर्ति राज्य पुलिस ध्वज वाहक के रूप में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के जवान कर रहे हैं जो उस राज्य के निवासी हैं, जो भारतीय संस्कृति की विविधता में एकता के सार तत्व को मूर्त रूप चरितार्थ कर रही है। पूज्य सरदार की अप्रतिम प्रतिमा के चरणों के समीप मां भारती के ये जाबांज रक्षक देश के प्रति अपने जुनून शौर्य और अनुशासन से देश के प्रति अपना राष्ट्रभाव प्रदर्शित करेंगे। इस परेड के जरिए अखंड भारत का संदेश देती ये परेड अब मंच की ओर अग्रेसर होगी। राष्ट्रीय एकता परेड की अब हो रही है शुरुआत। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में कोविड-19 ने हमारी जीवन शैली पर व्यापक असर डाला, किंतु यह महामारी हमारे जोश और हौसले को डिगा न सकी और हम सरदार पटेल की दृढ़ इच्छा शक्ति व दूरदर्शिता से प्रेरित होकर सभी राज्यों की पुलिस बलों व केंद्रीय अर्धसैन्य बलों द्वारा शौर्य प्रदर्शन व परेड की संक्षिप्त प्रस्तुति के साथ उपस्थित हैं। कुछ नशा तिरंगे की शान का है, कुछ नशा मातृभूमि की आन का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान का है। ऐसे ही जोश और राष्ट्र प्रेम की झलक इस परेड के जरिए हम देखेंगे। इस परेड का नेतृत्व कर रहे हैं 2018 की बैच के IPS श्री ओम प्रकाश छाट,
मिर्च पिलानी ग्रेजुएट ओम प्रकाश किसान परिवार से है और वर्तमान में श्री जाट गिर सोमनाथ में एएसपी नियुक्त हैं। श्री ओम प्रकाश जाट के नेतृत्व में ये परेड जिसमें सबसे पहला दस्ता 53 ध्वज वाहकों का 53 राज्य पुलिस व केंद्रीय अर्धसैनिक बल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिसमें शामिल कई ध्वजों को माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा निशान का सम्मान प्राप्त हुआ है, जिसमें से मेजबान गुजरात राज्य के ध्वज को भी 2019 में निशान का सम्मान प्राप्त हुआ है। दूसरे स्थान पर सीआईएसएफ केंद्रीय सशस्त्र बल के रूप में स्वयं को स्थापित कर 350 इकाइयों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है, जिसमें देश के संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण संस्थान जो कि अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय हवाई अड्डे, सीपोर्ट, शिपयार्ड्स, एटॉमिक एनर्जी, वीआईपी सिक्योरिटी, हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स तथा सरकार की अन्य पीएसयू यूनिट शामिल है। और अब आ रहे हैं सीमा सुरक्षा बल के जाबाज जो कश्मीर की बर्फीली चोटियां, राजस्थान के रेगिस्तान, दिन हो या रात बड़ी ही मुस्तैदी से अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं और अब तक 1094 वीरता पदक हासिल किए हैं। अब अपने कदमों की धमक से शौर्य और निष्ठा का संदेश देता अग्रेसर है सीआरपीएफ का ये दस्ता। इन्हें गर्व है अपने बल के इतिहास पर, जिन्होंने सरदार के एक भारत के सपने को साकार करने में अपनी भूमिका निभाई थी। देश में आंतरिक सुरक्षा की जरूरत में राष्ट्र की पहली पसंद सीआरपीएफ के जाबाज योद्धा है। अगला मार्चिंग दस्ता गुजरात राज्य पुलिस के सीधे भर्ती किए गए पुलिस इंस्पेक्टर्स जो कि वर्तमान में गुजरात पुलिस अकादमी कराई गांधीनगर में प्रशिक्षण ले रहे हैं, कमांडेंट डीवाईएसपी श्री पीडी वाघेला के नेतृत्व में। मेजबान राज्य गुजरात अपनी विकासशीलता से विश्व में बनाया है जिसने अपना एक अलग ही मकाम। वैसे गुजरात राज्य सरकार की नीतियों, आदेशों, निर्देशों का पालन कर कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में गुजरात पुलिस जो कि विनम्रता से यहां प्रदर्शित कर रही है अपना आचरण भाव। उसके बाद आप देख सकते हैं गुजरात पुलिस का अश्वदल जिसका नेतृत्व कर रहे हैं पुलिस इंस्पेक्टर श्री एमएस बारोट। इस दल में 17 घोड़े शामिल हैं और यह अश्वदल वीवीआईपी सुरक्षा, पायलटिंग, दंगा फसाद, पहाड़ी और ग्रामीण इलाकों में तैनात होते हैं। इस अश्वदल ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घोड़े सवारी प्रतियोगिता में कई मेडल्स प्राप्त किए हैं और अब आज की भव्य परेड की शोभा बढ़ाते हुए शाही अंदाज में हर वर्ष राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड में विशेष आकर्षण का केंद्र रहने वाला सीमा सुरक्षा बल का अनूठा ऊंट दस्ता अपने पूरे साजो श्रृंगार सहित आपके सामने से गुजर रहा है, जिस पर सवार है राजसी शान लिए सीमा सुरक्षा बल के रण बांकुरे जिनके समतुल्य समूचे विश्व में अन्य कोई नहीं। और अब विविध फोर्सेस के ताकत के समान स्पेशल व्हीकल्स का प्रदर्शन, जिसमें सबसे आगे है आरपीएफ का सेगवे एएससी श्री भुवनेश आईआरपीएफएस के नेतृत्व में। सेगवे एक स्वच्छ, प्रदूषण मुक्त और इको फ्रेंडली दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन है। इससे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन की प्रभावी निगरानी में वृद्धि हुई है और रिस्पांस टाइम कम हुआ है, जिससे आरपीएफ की दक्षता व उत्पादकता में कई गुना वृद्धि हुई है। और अब आपके सामने आईटीबीपी का ऑल टेरेन व्हीकल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस का ऑल टेरेन व्हीकल जो कि लद्दाख, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश के एक्सट्रीम हाई एल्टीट्यूड वाले दुर्गम एवं कठिन क्षेत्र में जवानों द्वारा सीमा पर निगरानी रखने के लिए पेट्रोलिंग के दौरान प्रयोग किया जाता है। इस विशेष वाहन के होने से जवान न केवल शीघ्र बल्कि सुरक्षित रहकर सीमा पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। और अब आ रहे हैं एनडीआरएफ, चाहे कैसी भी भयंकर आपदा हो एनडीआरएफ की उपस्थिति मात्र राहत और विश्वास का संदेश देती है। एनडीआरएफ का सबसे पहला व्हीकल है एमएफआर व्हीकल, मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर, बचाव टीम तथा फर्स्ट एड के आवश्यक संसाधनों व उपकरणों के अतिरिक्त कोविड-19 के बचाव हेतु पीपीई एवं सभी सामग्रियों से सुसज्जित है एमएफआर। उसके बाद है एफडब्ल्यूआर रिस्पॉन्स व्हीकल जो है फ्लड वाटर रेस्क्यू व्हीकल, बाढ़ बचाव दल एवं विभिन्न अत्याधुनिक विशेषीकृत उपकरणों, इन्फ्लेटेबल रबर बोट, आउटबोर्ड मोटर, सोनार सिस्टम, अंडर वाटर विक्टिम लोकेटिंग कैमरा, डिप ड्राइवर से सुसज्जित, साथ ही साथ घरेलू सामग्रियों से बने इक्विपमेंट्स का यह है प्रदर्शन उप कमांडेंट श्री ए के चौबे के नेतृत्व में। अगला वाहन बीएसएफ का माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल एमपीवी, डेप्यूटी कमांडेंट हितेश चंद्रा की कमान में। उग्रवाद एवं नक्सलवाद प्रभावित इलाकों में एमपीवी कारगर है। 11 टन वजनी यह वाहन अपने वी आकार की विशेष बनावट की वजह से एंटी पर्सनल तथा एंटी टैंक माइंस के साथ 42 किलोग्राम की आईईडी से भी समग्र सुरक्षा प्रदान करता है।
और अब अगला वाहन एनएसजी का शेरपा, ब्लैक कैट कमांडो की हाउस इंटरवेंशन टीम के दस्ते के साथ मेजर सोलास वेन के नेतृत्व में। शेरपा एक हल्का 4x4 बख्तरबंद वाहन है जो हर सतह जैसे रेत, पत्थर, कीचड़ आदि इलाकों में 6 कमांडोज को उनके पेलोड के साथ ले जाने की क्षमता रखता है। इसके पीछे एनएसजी का ही मार्स वाहन, जिस पर लगे हुए ड्यूअल साइड बाय साइड हाइड्रोलिक रैंप अलग अलग हाइट पर एनएसजी कमांडोज और K9 को बिल्डिंग इंटरवेंशन, हॉस्टेज रेस्क्यू और एंटी हाइजेक ऑपरेशंस में सुगमता प्रदान करता है। और अब आपके सामने से गुजर रहा है ये वाहन जो है CRPF के बुलंद इरादों का फौलादी साथी। एनएसजी के मार्स के बाद क्रिटिकल सिचुएशन रिस्पांस व्हीकल CRPF से, जिसका नेतृत्व 7 बार पुलिस वीरता पदक से सम्मानित सहायक कमांडेंट नरेश कुमार एवं प्रवीण नौटियाल कर रहे हैं। अत्याधुनिक उपकरणों से लैस यह बख्तरबंद क्रिटिकल सिचुएशन रिस्पांस व्हीकल CSRV कश्मीर में किसी भी चुनौती से निपटने में सक्षम है। इसमें लगा थर्मल इमेजिंग कैमरा, ड्रोन सिस्टम, उपद्रवी भीड़ पर काबू पाने के लिए मल्टी बैरल लॉन्चर, LRAD, PTZ कैमरा तक हर जरूरत का उपकरण इस वाहन में उपलब्ध है। और ये है गुजरात पुलिस का BDDS व्हीकल। इस वाहन का उपयोग बॉम्ब डिस्पोजल ऑपरेशन के लिए किया जाता है तथा यह इंटरनेट सर्विलेंस सिस्टम और फ्लड लाइट लेस है। इस व्हीकल में सर्च इक्विपमेंट, सेफ्टी इक्विपमेंट और डिस्पोजेबल इक्विपमेंट है। बॉम्ब ऑपरेशन के दौरान सीनियर ऑफिसर्स अपने मोबाइल और ऑफिसर्स में टीवी पर लाइव ऑपरेशन दुनिया में कहीं से भी देख सकते हैं। इस तरह का व्हीकल भारत में सर्वप्रथम गुजरात राज्य में अहमदाबाद शहर पुलिस BDDS स्क्वाड के पास है। रूप धरने वाली, विश्व सुख सुधा करने वाली, तुम पुरवाई, तुम ज्वाला हो, वसुधा का रूप निराला हो। नारी शक्ति के इन विभिन्न रूपों में से पराक्रम को प्रदर्शित करने के लिए CRPF की वुमेन वॉरियर्स प्रस्तुत कर रही हैं राइफल ड्रिल। हम सबके लिए यह गर्व की बात है कि CRPF की 6 महिला बटालियन की वुमेन वॉरियर्स पूरे देश में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की सेवा कर रही है। आपको यह जानकर अत्यंत हर्ष होगा कि वीरता के लिए अनेक पुरस्कार प्राप्त करने के अलावा CRPF की इन वुमेन वॉरियर्स के पास यूनाइटेड नेशंस पीसकीपिंग मिशन में जाने वाले विश्व के प्रथम ऑल वुमेन कंटिजेंट होने का भी गौरव प्राप्त है। अपने शौर्य, अनुशासन, संतुलन और तालमेल को एक सूत्र में पिरोकर आपके सामने CRPF वुमेन वॉरियर्स का राइफल ड्रिल प्रदर्शन। कार्यक्रम साथे परत फरीशु, हाल एक ब्रेक। तो आज पीएम मोदी केवड़िया खाते छे, थोड़ी वार पहला ज तेओ एकता परेड में हाजरी आपी हती, शपथ लेवड़ाव्या हता, राष्ट्र सुरक्षा माटे संकल्प लेवड़ाव्या हता।
અને આપ સીધા દ્રશ્ય કેવડિયાથી જોઈ શકો છો। પરેડ ચાલી રહી છે, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી નિહાળી રહ્યા છે। મોદીએ જવાનોને આજે શપથ પણ લેવડાવ્યા, રાષ્ટ્ર સુરક્ષા માટે સંકલ્પ લેવડાવ્યા, રાષ્ટ્રગાન તેઓએ ગાવ્યું અને હાલ જવાનો દ્વારા પરેડ ચાલી રહી છે। મહિલા પરેડ અત્યારે નિહાળી રહ્યા છે પીએમ મોદી। सीआरपीएफ की वुमेन वॉरियर्स अनुशासन और आपसी तालमेल से कंधे से कंधा मिलाकर किसी भी कार्य को बड़ी ही खूबसूरती और सरलता से किया जाता है, जिसका बेनमून उदाहरण था ये राइफल ड्रिल सीआरपीएफ की वुमेन वॉरियर्स के द्वारा। भारत की ये भूमि जहां नारी को एक शक्ति के रूप में पूजा जाता है, शक्ति स्वरूपा नारियों के सशक्तिकरण के हमेशा से ही हिमायती रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्हें की दीर्घ दृष्टि और विजन की वजह से विश्व के आठवीं अजायबी बनने वाली ये अप्रतिम प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण हुआ। सैद्धांतिक महत्व के साथ साथ प्रवासन के क्षेत्र के लिए भी ये स्थल माइलस्टोन बना है, जिससे यहाँ आसपास रहने वाले प्रजाजनों के जीवन में भी सुधार आया और आज इस खास अवसर पे यहाँ आसपास बसने वाले आदिवासी लोग अपनी खुशी व्यक्त करना चाहते हैं इनके लोक नृत्यों के द्वारा। प्रकृति की गोद में बसने वाले ये साहसिक आदिवासी, जिनके नृत्य में भी साहस होता है, हाथ पकड़कर गति से घूमना और पिरामिड बनाना ये इनकी नृत्य शैली है। पर कोविड 19 के संक्रमण को ध्यान में रखकर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाकर ये नृत्य प्रस्तुत करेंगे। खेल युवा और सांस्कृतिक प्रवृत्ति विभाग गुजरात राज्य के द्वारा प्रस्तुति सांस्कृतिक कार्यक्रम की। વેલકમ બેક, એકતા પરેડ ચાલી રહી છે, સીધા ફરી જોડાઈએ છે એકતા પરેડમાં।
जंगल और दुर्गम पहाड़ी प्रदेश के बीच रहने वाले ये साहसिक आदिवासी, गुजरात में रहने वाले आदिवासी समाज के लोग पारंपरिक और वैविध्य नृत्य के लिए प्रचलित हैं, और यही विशिष्ट नृत्य हमने यहाँ पर देखा। मास्क पहनकर और एक दूसरे को स्पर्श किए बिना ये आदिवासी नृत्यों की प्रस्तुति अत्यंत सराहनीय थी। आज राष्ट्रीय एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ऐसा अकिंचन व्यक्तित्व, पूरी दुनिया के यही एकमात्र ऐसे उप प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु पर उनकी जमा राशि थी सिर्फ 263 रुपए, जिसने अपना सारा जीवन राष्ट्र के लिए न्यौछावर कर दिया। वे लोह पुरुष भी इसलिए कहलाए क्योंकि उनकी कर्तव्य निष्ठा, उनका शिस्त, उनका अनुशासन भी लोहे की तरह सख्त था। इस प्रतिमा के आधार स्तंभ में भले ही लोहा हो, पर हमारे सरदार की प्रतिभा के आधार स्तंभ थे सादगी, त्याग, निस्वार्थ वृत्ति और चारित्र्य। ऐसे कर्मयोगी राजपुरुष को हम देख तो नहीं पाए, लेकिन आज इन्हीं की प्रतिमा के सन्मुख है, तब आइए उन्हीं की वाणी सुनकर उनकी साक्षात उपस्थिति को महसूस करते हैं। 12 अक्टूबर 1947 को दशहरे के उपलक्ष में भाषण देते हुए उन्होंने संगठित हिंदुस्तान का आह्वान किया। दुनिया भर में जितना इलम है उससे ज्यादा हमारे लोक में दमाग है, लेकिन हम संगठित चल नहीं सकते हैं। व्यक्तिगत अलग अलग अपनी राय रखते हैं, वो नहीं चलना चाहिए। हमें समाज को संगठित करना चाहिए, तो वो चीज करने के लिए पहले तो हमारे आज कोई भी झगड़ा का काम हो, फिसाब का काम हो, टंटा का काम हो, छोड़ देना चाहिए। 5 साल काम कर लो और हम लोग तो अब जरीफ हुए, बुढ़े हुए, हमारा काम तो एक गुलामी में से छोड़ाना था, वो तो पूरा हो गया। लेकिन उठाने के लिए नौजवान तैयार न हो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाए। तो ये नहीं है कि हमारे जवानों में दिमाग नहीं है, दिमाग तो बहुत है, तेज है, ज्यादा तेज हो गया उसी मुसीबत होती है, जितना होना चाहिए तेज इससे ज्यादा हो जाता। तो हर चीज में हम एक प्रकार की सबकी गलती निकालने का हमारा दिमाग आगे चलता है। तो एक क्रिटिकल दृष्टि हमने बनाई है कि हर चीज की चेष्टा करनी, टीका करनी, टिप्पण करना है उसके पर, लेकिन हमें प्रैक्टिकल चीज, कोई व्यवहारू चीज करनी हो तो फिर किताब देखते हैं, किताब में क्या लिखा है, उससे काम नहीं होता। वो तो हाथ पर चलाने की बात है। तो जो व्यापारी लोग, जो धनिक लोग हैं, उनके साथ हमें ये जो इनके पास इलम है वो इलम भी हमें लेना पड़ेगा और उनका साथ लेना पड़ेगा कि तुम आओ भाई, मुल्क तुम्हारा है और मुल्क में आज तो बहुत मैदान पड़ा है, उसमें जितना काम आप करो, परदेशियों के समय में करते थे, इससे ज्यादा करने का मौका आपको मिलेगा। वो हमसे डरते हैं, हमारा उसको भरोसा नहीं है, हम उनका भरोसा नहीं करते, इस पर काम नहीं चलेगा। उनका एक दूसरे का विश्वास पैदा करना चाहिए, तब काम चल सकता है। तो मजदूर का धनिकों के साथ झगड़ा, और ये जो और लोग हैं वो आपस में झगड़ा करे, प्रांत प्रांत का झगड़ा, कि हम इस तरह से आपस में सब झगड़ा करता रहे। तो हमारा काम ये है कि हम हिंदुस्तान में कोई भी प्रांत के पड़े हैं, हम हिंदुस्तानी है और हमारा प्रथम कर्तव्य हिंदुस्तान की हिफाजत, हिंदुस्तान की रक्षा और हिंदुस्तान की आजादी को उसकी अच्छी तरह से शोभे दीपे इस तरह से बनाना। तो सबको साथ लेके ऐसे राष्ट्र के पर्व पर, जो पहले हमें जब आजाद थे जो खुशहाली थी, उसी प्रकार की खुशहाली हो, प्रकार मुल्क को उठाना हो, मिलजुल कर काम करना। बिखरे फूलों को मिलाकर जिसने बनाया ये चमन, वैसे सरदार को आज शत शत नमन। धरती से लेकर आसमां तक भारत ने अपने लिए न एक नया इतिहास रचा है, बल्कि भविष्य के लिए राष्ट्र एकता की प्रेरणा का गगनचुंबी आधार भी तैयार किया है, जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। हमारे सरदार को एक सच्ची श्रद्धांजलि। देश की एकता के प्रति
जोश और उमंग से भरे आज के इस राष्ट्रीय एकता दिवस पर अब अगला जो क्षण है जो हम सभी के लिए बड़ा ही दिल धड़क और रोमांचक होने वाला है। आज जहां हमने इस एकता परेड के जरिए हमारे देश की सीमा सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा देने वाले जाबाजों की निष्ठा और ताकत देखी, तो साथ ही में हिंदुस्तान के इस खुले आसमान में हमारी सुरक्षा निश्चित करने के लिए पहरा दे रहे भारतीय वायुसेना के फाइटर एयरक्राफ्ट कुछ ही क्षणों में यहां से गुजरेंगे और हमें भारतीय वायुसेना की ताकत का परिचय देंगे। आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर सरदार को सलामी देने का ये जज्बा है इंडियन एयरफोर्स का। आप सभी आपके सामने ये किले की भव्य दीवार भी देख रहे हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की विशाल गगनभेदी प्रतिमा के सम्मुख इस परेड मैदान में ये दीवार, ये प्राचीर है जूनागढ़ किले की। यह प्रतिबिंब लगभग 2300 वर्षों का इतिहास समेटे वर्तमान को एकीकृत भारत का गौरवशाली प्रतीक है। भारत की आजादी की घोषणा के साथ ही भारत के एकीकरण की विशाल चुनौती सरदार पटेल के सम्मुख थी। जूनागढ़ के तत्कालीन नवाब जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, किंतु जूनागढ़ रियासत की समस्त जनता भारत के साथ रहना चाहती थी। सरदार पटेल की दृढ़ इच्छा शक्ति व कूटनीति के परिणाम स्वरूप राजनैतिक अड़चनों के बावजूद 20 फरवरी 1948 को जूनागढ़ भारत का अभिन्न अंग बन गया। जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए तमाम चुनौतियों के बावजूद भी जूनागढ़ का भारत में विलय करके सरदार पटेल ने भौगोलिक एकीकरण के साथ साथ भावनात्मक एकता का भी बीज बोया। जूनागढ़ किला हमें सांस्कृतिक विविधता व भौगोलिक विषमता के बावजूद एक सूत्र भारतीयता में बंधे रहने को प्रेरित करता है, साथ ही सरदार पटेल के सशक्त भारत की याद दिलाता है। आइए जोरदार तालियों के साथ हम हमारी श्रद्धा, हमारा प्यार उन तक पहुंचाते हैं। और अब कुछ ही क्षणों में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसे सलामी देने के लिए इंडियन एयरफोर्स के जैगवार फाइटर एयरक्राफ्ट 3 एयरक्राफ्ट यहां से गुजरेंगे। जैगवार फाइटर एयरक्राफ्ट का होगा फ्लाईपास्ट। हमारे देश की ओर हम सबके गौरव के समान समग्र विश्व में सबसे ऊंची ये प्रतिभा और विश्व की सबसे ऊंची ये बेनमून प्रतिमा, जिसे सलामी देगा इंडियन एयरफोर्स का जैगवार एयरक्राफ्ट। ये 3 एयरक्राफ्ट जो जामनगर एयर स्टेशन से उड़ान भर चुके हैं, 600 किलोमीटर का ये जो अंतर है वो सिर्फ 40 मिनट में वो तय करके कुछ ही क्षणों में यहां पर इस आसमान में होंगे। ये जैगवार लड़ाकू विमान है जो स्ट्राइकर प्लेन्स हैं, जो कहीं पर भी दुश्मनों के विस्तार में 1400 किलोमीटर तक अंदर जाकर स्ट्राइक करने के लिए भी कैपेबल है। आप स्टैच्यू की ओर देख सकते हैं जैगवार फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ जिन्होंने आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर सलामी दी हमारे सरदार को। जोरदार तालियों से हम सभी हमारी वायुसेना का, इंडियन एयरफोर्स का अभिवादन करें। बहुत बहुत